अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है नाज़रीन। आज का हमारा मौजू है बबन डब्बी, शटर बक्स से चलते हुए कैसे बाहर आ जाती है खुद ब खुद। यानी कि जो फ्रिकी डब्बी है जिसमें हम धागा चलाते हैं, तो शटर बक्स से खुद ही बाहर आ जाती है, उसमें क्या फॉल्ट है? नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, ये देखें, अगर आपके पास ये मसला हो कि आपकी जो शटर में बबन है, ये शटर बक्स है और ये डब्बी भी इसे कहते हैं और बबन केस भी कहते हैं। ये देखें, कब्ज़ा इसके में लगा हुआ है। ये देखें, ये कब्ज़ा है, जो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हुक है आप देख रहे हैं ये ठीक नहीं है। जिस टक का निशान जो बक्स का देख रहे हैं इसमें नहीं बैठती, शटर में फिक्स हो जाती है। अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसमें तो बैठ गई है शटर में, लेकिन बक्स का जो टक वाला हिस्सा है उसमें नहीं बैठती। देखें, शटर भी घूम रहा है और डब्बी भी साथ साथ चल रही है। ऐसे नहीं होना चाहिए, इससे टांका भी नहीं लगेगा, हवाई का कपड़ा इकट्ठा होगा। अगर आपकी डब्बी इसी तरह ख़राब हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आपने इसी डब्बी को ठीक करना है, नहीं तो हर आदमी ले आता है शहर से, दुकान से, शॉप से ले आता है, लेकिन पुरानी चीज़ को ठीक करना सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है इसी डब्बी को ठीक करना। तो आज हम आपके सामने इसी डब्बी को ठीक करने का तरीका बताएंगे, जो आप घर बैठे खुद ही ठीक कर लेंगे और कपड़े सीने के काबिल कर लेंगे। इसे को आपने ठीक करना है, कैसे करना है वो भी हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको एक नई डब्बी बताएंगे। ये देखें, ये नई डब्बी है, इसको देखें। ये लग गई है, इसको ऐसे लगना चाहिए जैसे नई डब्बी लग गई है। ये देखें, बाहर नहीं गई रही, ना बाहर आ रही है, अपनी जगह पर ठीक लग गई है, लेकिन जो पुरानी डब्बी है ये बाहर खुद ब खुद निकल रही है। इसका हुक वाला हिस्सा ख़राब है, जो इस टक में बैठना चाहिए। ये डब्बी, नई डब्बी हमने इसलिए आपको दिखाई है कि नई डब्बी लगाने का मतलब ये है कि इसी तरह पुरानी डब्बी बैठनी चाहिए। अब आप क्या करना है, आपने इस हुक वाले हिस्से को, अगर आपके पास ये प्लास है ये भी चलेगा, अगर हैमर है छोटा सा ये वाला तो ये भी चलेगा। हुक वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को यहाँ पर एक चोट लगानी है ऐसे, और ये हुक जो है वो नीचे हो जाएगी तो आपकी डब्बी ठीक हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पर एक फिंगर उंगली रखनी है जैसे, और यहाँ पर लगानी है। देखें, ये देखें, पहले ऊपर थी अब नीचे हो गई है। ये बिल्कुल आसान तरीका है। पुरानी डब्बी जो हमने ठीक की है हुक वाले हिस्से को, यहाँ पर लगा कर आपको दिखाएंगे ठीक हुई है या नहीं हुई। ये देखें, ये टिक करके आवाज आई है तो उसमें टके वाले हिस्से में हुक लग गई है। ये देखें, खुद ब खुद लग गई है। अब ये देखें, बाहर नहीं आ रही, आपका मसला हल हो चुका है। ये देखें, पहले डब्बी बाहर गिरती थी, अब अंदर बैठ गया, हुक हमने ठीक कर दिया है। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू था फिरकी डब्बी यानी बबन, शटर बक्स में खुद ब खुद कैसे बाहर आ जाती है। तो आज हमने आपको वो ठीक करने का तरीका बता दिया है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें, और हमारी मूवी को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको समझ आ जाए वीडियो की। तो मैसेज लाजमी किया करें आपको हमारी वीडियो कैसी अच्छी लगी। आज का इतना मौजूद था, अल्लाह हाफिज़।